करती हुई, और क्योंकि अगले कुछ दिन इस समय हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलें तो किसी जरूरी काम के लिए निकलें, अन्यथा बाजार के अंदर आप घूमने के लिए या ऐसे ही किसी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें। खासकर बुजुर्गों के लिए हिदायत है कि वो घर के अंदर भी रहें तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं और आपके घर का कोई सदस्य बाहर से आता है तो ध्यान रखें कि आपको ज्यादा एहतियात बरतना है। यहां तक कि पेंशन धारकों के लिए हालांकि राहत की बात है, केजरीवाल सरकार इस बार मदद करेगी, 1 महीने की जगह आपको 2 महीने यानी कि डबल पेंशन इस बार दे दी जाएगी। लेकिन साथ साथ राशन को लेकर उन्होंने बात कही, क्योंकि लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर एक दिन जनता कर्फ्यू रहने के बाद अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो क्या लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने उस बात का जवाब भी दिया है कि अभी इस तरह की स्थिति नहीं महसूस हो रही जिसमें लॉकडाउन करना पड़े, लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली सरकार ऐसा भी करेगी। लेकिन फिलहाल जो राशन को लेकर लोगों के बीच में अफरा तफरी थी उस पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, ये कहकर कि आपको राशन भरपूर मिलता रहेगा, फ्री में भी राशन दिया जाएगा, लेकिन राशन की दुकानों के आसपास भी भीड़ भाड़ नजर ना आए। लेकिन कोरोना की स्थिति जो इस समय बनी हुई है और जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है उसमें लोगों के लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, और लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन नए लक्षणों के बाद भी, दरअसल जो कोरोना संक्रमण के नए लक्षण सामने आए उसके बाद भी उठ रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर राजेश पार्थसारथी जी हैं, जनरल फिजिशियन। आप बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। राजेश जी, आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, सीएम ने दिल्ली के किस तरह से लोगों को बड़े आराम से समझाया कि आप किसी भी चीज की चिंता ना करें, सरकार पूरा ध्यान रख रही है आपके स्वास्थ्य का भी और व्यवस्थाओं का भी। लेकिन जनता कर्फ्यू से कुछ घंटे पहले लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि नए जो लक्षण आए हैं, क्या अभी दुनिया का कोई भी देश उस स्टेज में नहीं है जहां हम ये आश्वासन किसी से ले सकें कि हम कौन से स्टेज पर इस समय मौजूद हैं या कितना समय इलाज में लगेगा, शायद इसीलिए कल कर्फ्यू की जरूरत पड़ रही है। मैं कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा कि इटली में जैसे अभी बहुत भयावह स्थिति हो गई है, लगभग 29-30 जनवरी तक वहाँ पे सिर्फ एक केस ही था और 19 फरवरी तक सिर्फ 3 केस वहाँ पे नजर आए, तो 2-3 हफ्ते के अंदर केसों में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन 19 फरवरी से लेके अभी आज 20-21 मार्च के बीच में ऑलमोस्ट वहाँ पे बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। 40,000 से ज़्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो ऐसे केस में ये कहना जरूरी बनता है कि शुरुआत में ये कई बार सारे लक्षण या सारे भयावह स्थिति नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ जाते हैं एपिडेमिक और पैंडेमिक के फेज़ में, तो स्टेज 3 में स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, लगभग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ केसेस बढ़ने लगते हैं और उसी रफ्तार से फिर डेथ भी रिजल्ट होता है। तो हम कोशिश करें अपने आप को स्टेज 2 तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीमित कर पाएँ, ये एक व्यवस्था हो, और दूसरा कि स्टेज 3 में जाएं भी तो जो कर्व है उसको हम फ्लैट रख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस उसमें डिटेक्ट ना हो इसकी व्यवस्था हो, और उसके लिए हमारी भारत सरकार भी काम कर रही है और अभी हमने केजरीवाल जी को भी सुना कि उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें अपनी व्यवस्था में सहयोग दिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे और भी इसी पर जुड़े हुए सवाल लेंगे कि अगर जो लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या जनता कर्फ्यू के दौरान भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो कितना बड़ा रिस्क वो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं और बाकी देशवासियों को संकट में डाल रहे हैं, उस पर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन हमारे अलग अलग जगह से इस समय संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर स्थिति है क्या। इस समय राजवीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ से, हजरतगंज से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर, क्या कुछ आपके आसपास स्थिति है, क्या लखनऊ के हजरतगंज इलाके के अंदर बाजार खुला है, दुकानें खुली हैं या प्रॉपर शटडाउन है, लोगों की आवाजाही किस तरह की है उस इलाके में? बिल्कुल प्रियंका, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की बात कही थी, लेकिन लखनऊ में पिछले कल आप देखिए जिस तरह से पैनिक सिचुएशन थी, उसके बाद से लगातार लखनऊ लॉकडाउन की स्थिति में है, न केवल स्थिति में बल्कि लॉकडाउन ही कर दिया गया है। आप देखिए कि मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये लखनऊ का सबसे पास एरिया हजरतगंज है। यहाँ ये वक्त जो होता था यहाँ पर भारी पुलिस बल को लगाना पड़ता था, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी होने दी जाती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट ये बंद है, लगातार पुलिस सुबह से ही पुलिस ने आके सारी दुकानों को बंद करा दिया है, इक्का दुक्का लोग ही रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, नहीं तो पूरा लखनऊ बंद कर दिया गया। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं ये हजरतगंज का एरिया है, यहाँ पर लगातार
भारी पुलिस बल को यहाँ तैनात किया जाता था कि यहाँ भीड़ न जमा हो पाए, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी होती थी कंट्रोल करना मुश्किल था। इसको लखनऊ का कनॉट प्लेस भी कहा जाता है। और आप देखिए कि किस तरह सड़कों पर भारी सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। तो ये इस तस्वीर से ये साफ है कि लखनऊ में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसकी क्या भयानकता है, उसको न केवल उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने समझा है बल्कि लोगों ने भी ये माना है कि इस तरह के संक्रमण का जो बचाव जो सरकारी निर्देश है उसका पालन करना चाहिए। और लगातार लोगों ने घर से निकलना बंद किया हुआ है। अगर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अर्जेंसी है, तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अन्यथा लोग घर पर ही हैं। हालांकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो आज की ये सिचुएशन है जी। तो कल चूंकि जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, तो कल क्या नजारा होगा ये अपने आप में आज के इस नजारे से अंदाजा प्रियंका लगाया जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से तमाम अपडेट देने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि इस समय लखनऊ के खास पॉश एरिया में जहां पर बाजार में रौनक दिखती थी वहां किस तरह की स्थिति है। धीरेन्द्र हमें इस समय उत्तराखंड से ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हमारे, वहां किस तरह की स्थिति है धीरेन्द्र, क्या लोगों के बीच में इस बात को लेकर अवेयरनेस है या फिर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां किस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है? देखिए प्रियंका जी, उत्तराखंड में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आह्वान में ये अपील की कि 22 मार्च को इस तरह से जनता कर्फ्यू लगाना है, तब से लगातार जो सरकारी मशीनरी है, जो राजनीतिक जगत के लोग हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष लगातार जनता से अपील कर रहे हैं। न केवल उनके प्रेस नोट आ रहे हैं बल्कि तमाम विज्ञापनों के माध्यम से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह का संकट है पूरी दुनिया में, उसमें उत्तराखंड भी अपना योगदान दे सके और किसी भी संकट से बच सके। जिस तरह का कोरोना की महामारी है तो उसको लेकर के पूरी तरह यहाँ पे सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने बहुत जबरदस्त तैयारियां की हैं कि जो रविवार को जिस तरह से जनता कर्फ्यू होगा तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। राशन की दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया है। पुलिस, पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने अपने अपने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए हैं और कल जनता कर्फ्यू होगा। लेकिन आज से ही आप देखेंगे सड़कों पे एक मरघटी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही सारे मार्केट, सारे बाजार खाली हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड से देहरादून से खासकर तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल आपको दिखाते समय शंभू राही हमारे सहयोगी में ज्वाइन कर रहे हैं। शंभू, क्या कुछ अपडेट आपके पास है रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या अवेयरनेस के लिए कुछ खास किया जा रहा है और किस तरह से लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जनता कर्फ्यू से पहले आपके लिए मुस्तैद रहना बेहद जरूरी है? जो मेडिकल दुकानें हैं और जो राशन दुकानें हैं वो थोड़ा खुली है, लेकिन जो लोग जो है काफी घर से कभी निकल रहे हैं, सभी के जो घर घर में ही लोग जो हैं, इसके साथ में ही शासन जो बड़ी पुलिसों के द्वारा गश्त लगाया जा रहा है, चौक चौराहों में बकायदा वो लगाया जा रहा है कि लोगों से अपील की जा रही है कि बिल्कुल भी ना निकले घर से और हम आप लोगों के लिए बाहर हैं और आप घर पे ही रहिए। इसके साथ में ही जगह जगह पे पूरी जो दुकान जो खुली है, ऐसे जो दुकान खुली है, होटल है, पूरी तरीके से पूरा यहाँ पर बंद कराया जा रहा है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि जो बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे सांसद हो, तमाम जनता कर्फ्यू के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर से ना निकले। इसके साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ी स्थान पे ना जाए और जो डॉक्टर है, मीडिया कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है या सफाई कर्मी है, तमाम जो ऐसे चीज जो लोग लगे हुए हैं उनके ताली बजा करके, घंटी बजा करके तैयारी करने को लेकर भी कह रहे हैं। के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर तमाम पाबंदियों के बीच में लोग इस समय ये बात समझने को जरूर तैयार हो गए हैं कि आखिर घरों के अंदर रहेंगे तो ज्यादा महफूज रहेंगे। डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में है। राजेश जी, से पहले हम लक्षण की बात कर रहे थे और दूसरा कि किस तरह से एक देश खुद को तैयार कर रहा है। कल भी हमने देखा कि देर शाम एक और देश ऐसा था जिसने अपने यहाँ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया। हम जो कल कुछ घंटों के बाद जनता कर्फ्यू का सामना करने वाले हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं ताकि जो दर्शक आपको देख रहे होंगे समय समझ पाए कि उनकी सेहत के लिए और पूरे हिंदुस्तान की सेहत के लिए ये कितना जरूरी है समय? इसमें मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये एक चेन बनता है। जब जैसे कुछ लोग बाहर से जब आए अपने साथ वायरस कैरी करके इंडिया लेके आए, तो सबसे पहले तो वायरस उनके साथ फेज वन में इंडिया के अंदर आया जी। दूसरे फेज में उन लोगों से, उनके जो संपर्क में व्यक्ति थे, चाहे उनके परिवार के सदस्य थे या उनके संपर्क में और लोग आए, उनके अंदर वायरस का संक्रमण हुआ। वो स्टेज टू की व्यवस्था थी।
तीसरे स्टेज में जब हम जाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि एक आम व्यक्ति से दूसरे आम व्यक्ति में अपने आप वायरस चला जाए। अब वायरस जाने की व्यवस्था क्या होती है कि एक तो जिसको संक्रमण ऑलरेडी हो चुका है वो जब खांसता और छींकता है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं जो हवा में होते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति उसके सामने उन्हीं ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है, सांस के रास्ते अंदर लेता है, तो उसमें वायरस का संक्रमण हो जाता है। ये एक तरह की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था कि जब हम खांसते या छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स किसी सतह पे जाके स्थिर हो जाते हैं, वो चाहे टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो या वो कोई और सतह इस तरह का हो, खास करके मेटल पे देखा जाता है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी ने बताया वो चेन को ब्रेक करने की व्यवस्था है कि जो वायरस किसी सतह पर पड़ा होगा और लोग वहाँ पे जाएंगे और हाथ लगाएंगे और वायरस उनके अंदर आ जाएगा और फिर वो अपने नाक को, मुंह को, कान को छुएंगे तो उससे वायरस का संक्रमण होगा। इस व्यवस्था से हम चेन को ब्रेक कर पाएंगे अगर हम 14 से घंटे से लेके 24 घंटे तक उस व्यवस्था में नहीं जाएं और अपने अपने घरों में रहें ताकि वायरस जो जहाँ पर है वहीं पर ख़त्म हो जाए। दूसरी व्यवस्था उन्होंने बताई कि शाम के समय 5 मिनट के लिए जो घंटी बजाएं या शंखनाद करें या थाली बजाएं, इसमें हमारे पुरातन समय में ये व्यवस्था रही है कि वेद शास्त्रों में भी कहा गया है और कई ऐसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसको सही बताते हैं कि जब ध्वनि एक सुर में गुंजायमान होती है और उसका कंपन होता है तो उसके वाइब्रेशन से जो हवा में वायरस हैं उस पर भी उसका असर होता है और उनके नष्ट होने की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही बातें बहुत साइंटिफिकली सोच समझ के कही गई है, जिसका कि भारत में आने वाले समय पे काफ़ी अच्छा असर होने वाला है। और हमने ये भी देखा कि पीछे जिन देशों ने ऐसी चीज़ों को प्रोएक्टिवली नहीं लिया, चाहे हम उसमें इटली का नाम ले, स्पेन का नाम ले, जर्मनी के नाम ले, उन्हीं के लोगों से हम सुनते हैं कि शुरू में इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट होके काफ़ी हद तक ये कहा कि भाई हमें हमारे यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और हमें नहीं हो सकता, तो उन लोगों के यहाँ स्थिति अभी काफ़ी ख़राब है। तो हम काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव होकर इन व्यवस्थाओं में सरकार के साथ, जनता को भी हमने देखा कि भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि भारत इन सबसे अच्छा निकलेगा और कम से कम यहाँ पे केसेस ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऑडियंस ऐसी होगी जो हमें देख रही है, आपको सुन रही है, वो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने वाले हैं, कुछ स्टेट के बॉर्डर बंद हो गए हैं तो वो वहीं पर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह काम करते हैं या किसी वजह से वो ट्रैवल करते हैं, बस, मेट्रो, अपनी कार, दूसरी कैब, उस तरह की व्यवस्था में कैसे आप लड़ सकते हैं, क्या एहतियात बरत सकते हैं? इसमें एक तो जैसे हाथ धोने की बार बार व्यवस्था बताई जा रही है कि आप 20 सेकंड तक किसी भी सरफेस को अगर छुएं जहां पे वायरस होने की कुछ उम्मीद हो सकती है तो तुरंत आप अपना हाथ धोएं, वो सोप वाटर से 20 सेकंड तक उसकी व्यवस्था हो, या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें अगर सोप और वाटर की व्यवस्था नहीं है। दूसरी व्यवस्था, अगर हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने घर में हैं तो हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं जहां किसी और व्यक्ति के संपर्क में आना हो सकता है तो वहां किसी और से हमें संक्रमण ना हो, खुद को बचाने के लिए हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें खुद को संक्रमण, मतलब किसी तरह का फ्लू हुआ है या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें वायरस हो सकते हैं तो हमें, हमसे किसी और को नहीं हो, उसके लिए भी हमें मास्क पहनना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को भी सेफ रख पाएं। तो ये कुछ व्यवस्थाओं को अगर हम अच्छी तरह से ध्यान दें कि हम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति से अगर संपर्क में हो तो 1 मीटर का कम से कम दूरी बना के रखें ताकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हवा में आते हैं वो 1 मीटर तक ही ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके आगे अगर हम होंगे तो वो संक्रमण हम तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी व्यवस्था, हम हाथ धो अगर बार बार धो रहे हैं तो किसी सरफेस को हमने छुआ भी जहाँ पे वायरस हो सकता है तो उसको खुद से हम बचा सकते हैं। और तीसरी व्यवस्था, अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो खुद को भी सेफ रखते हैं और अपने संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी सेफ रखते हैं। इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम बाहर से अपने घर में भी आते हैं तो हमारे घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो हमें ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम थोड़ी देर कम से कम आइसोलेशन में रहें, हाथ की धोने की व्यवस्था करें और उनके संपर्क में कम से कम जाएं जब तक कि हम बाहर से आके पूरी तरह से अपने को न्यूट्रल या आइसोलेट नहीं कर लें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और बहुत जरूरी जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, जिसमें कुछ घंटों के बाद जनता कर्फ्यू जब लगा होगा, आप जब अपने घर के अंदर रहेंगे तब भी आपको सावधान रहना है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना है, कुछ बातों का ध्यान हर वक्त रखना है, हाइजीन, साफ सफाई से लेकर हाथों को बार बार धोना,
बार बार हाथों को चेहरे के पास ना ले जाना, क्योंकि आदतन हम ऐसा नहीं करते हैं, आदतन आपको बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करने की आदत नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन अगर आप ऐसी सावधानी बरतेंगे तो यकीन मानिए ये स्टेज भी हम पार कर लेंगे, कोरोना के इस कहर को खत्म करने का प्रयास भी हम सबके साथ मिलकर ही कामयाब हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।